प्रणाम सभी के। हमारा नाम हरि रोवा। सभी लोग देखा तीन हमारे चैनल एससी प्रसाद माइंड। वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखब। आज के फेवरेट रेसिपी वा विनोद के रेसिपी। विनोद के विनोद आजकल इंटरनेट पर यूट्यूब में बहुत छायल बने। विनोद 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 के आजकल कोई पता ना लगा पाओल विनोद के है। लेकिन हम बहुत खोजबीन करके विनोद के पता लगोनी। अब विनोद कहले कि हम कैमरा के सामने आवे नहीं चाहत, हम के हाइट रखी, कभी हम कैमरा के ना सामने आए तो हमसे पूछ ले कि रोला काहे खाती हमारा खोजनी है। तो हम कहनी कि रोला जाने जाते नहीं कि रोला फेवरेट रेसिपी हवे का। तो कहने कि विनोद कहले कि हमारा फेवरेट रेसिपी है मसालेदार चावल। तो विनोद से बहुत पूछताछ करने के बाद मसालेदार चावल के बारे में पता लगल। हम पूछनी कोने कोने के बनला मसालेदार चावल तो बहुत तरीका से बनला। कैसा मसालेदार से चावल वो खाए चाहते नहीं तो उनका पूछताछ करके कैला के बाद हम उनका फेवरेट रेसिपी मसालेदार चावल हम अपना चैनल में डाल तनी। तो रो लोग हमारा मसालेदार चावल के पूरा वीडियो देखी कि विनोद के फेवरेट रेसिपी मसालेदार चावल कैसन बनता। रोवा लोग के हमारा चैनल के सपोर्ट करे के बा। अगर चैनल के सब्सक्राइब ना कर लो तो जरूर सब्सक्राइब करब। और सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी बावे बेल के घंटी बाव के जरूर दबाएब। आ फेसबुक इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करब, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया बा। वीडियो के जरूर लाइक करब और अपने दोस्तों के शेयर करब। कमेंट में जरूर बताएब कि विनोद के फेवरेट रेसिपी मसालेदार चावल कैसन बनल बा। अपना घर में भी जरूर बनाएब और फिर कमेंट में बताएब कि मसालेदार चावल के जो स्वाद कैसन आए। कढ़ाई रख के उसमें तेल डाल दी। तेल कोई भी हो सकेला, रिफाइंड तेल या सरसों तेल, जौन चाहे तेल में पड़ सकेला। तेल जब गर्म हो जाए जो प्याज काट के रखल बा लंबा लंबा पतला पतला प्याज, प्याज के में डाल दी तेल में। जब प्याज भूजल जाए में जब प्याज जब लाल हो जाए तब एक बर्तन में बाहर निकाल दी। बाहर निकाल ली हल्दी, प्याज भुजा था, प्याज लाल हो गए। अब एक तेल के अच्छा से गार के प्याज में ना आवे अब एक अलग से बर्तन में निकला था। प्याज निकला गई, अब एक कढ़ाई के हटा दिल दी। अब फिर एक भगौना या डेक्ची में या जोन रोलों के बर्तन हो के दूसरों बर्तन में पानी रख के गर्म कर ली। जब पानी खौले लगी तब इसमें गोटा गरम मसाला, जितना गरम मसाला वाला सब मिक्स करके तेजपत्ता सहित पानी में डाल दी। उसके बाद से रिफाइंड तेल डाल दी। एमे जो चावल बाव के बॉईल कर लिए ठीक ना, उसे से मसाला पड़ता है। फिर इसमें नमक पड़ी, अपना स्वाद अनुसार नमक पड़ी। नमक दो बार डालने के बाद भी पड़ी, फिर एक बार चावल के भूजल दी इमें तब नमक डाल, इसलिए दो बार नमक पड़ी। हिसाब से नमक डालने के बाद उसके बाद से चावल बासमती चावल हम इसमें डालते नहीं। चावल के बासमती चावल के इसमें डाले से पहले एक लगभग 45 मिनट से एक घंटा पहले फुला ले लीजिए, पानी में भिगा दे लीजिए। फिर पानी हटा के फिर इसमें पड़ी गर्म पानी में फिर पकावे खा दीजिए। जब लगभग 90 से 95% पक जी चावल, चावल के बाहर निकाल ले लीजिए, पानी से अलग कर लीजिए। देखिए बीच बीच में चावल जाता है कि चावल भइल बा कि ना चेक कर जाता है। चावल अभी भइल नहीं है, फिर एक ढक दिया गई। ये थोड़ा देर के बाद देखल जी चला के चेक कि चावल कितना भइल बा। चावल के चेक कर जाता, चावल जब 95% पक जाए तब एक उतार लिया जी, गैस से हटा लिया जी। गैस चावल लगभग पागल बा ऐसे गैस से हटा लिया गई।
फिर एक दोसर बर्तन रखल जी, बर्तन जब गर्म हो जाए तो फिर हमें रिफाइंड तेल डाल दी। रिफाइंड तेल डाल के जो बात गर्म हो जाए रिफाइंड तेल, फिर उसमें गोटा गरम मसाला, जितना गरम मसाला होला सब गोटा, तेज पत्ता सहित, और इसमें लंबा लंबा हरा मिर्च कटा हुआ हमें डाल दी। देखिए तनिक को भूनल जाता है मच्छा के, तनिक हल्का भूरा होने तक, हल्का ब्राउन होने तक। देखिए मच्छर लगभग थोड़ा तनी मनी लाल होकर लगल, तबे में लहसुन और अदरक के पेस्ट पड़े। देखिए फिर पेस्ट डाल के तनी में चला दिया जाता है। फिर चिरम हरा इसमें मिर्चा हल्दी तनिका भून पाउडर, लेल जाई। बस देखिए बीच में से चलावत रहल जी। नमक स्वाद अनुसार नमक हिसाब से डाल दी। पहले भी हमने पानी में नमक डाल रहे थे, फिर दोबारा ही नमक पड़ता है, फिर दो पार्ट में होकर नमक पड़ेगा आधा आधा करके। जितने बीच जितने सामान डाल के इसे चला लहसुन दीजिए। अदरक के फिर पेस्ट पर ही मैं जीरा पाउडर, जीरा पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून डाल, अपना अंदाज से रोड डाल दी इतना पड़े। फिर हमें नींबू लगभग 2 नींबू गोटा एम पड़ल है, ओके भून लिया। देखिए ला के जब हल्का लाल होकर लगी तब हमें चावल पड़ी। अब चावल जो पका के रख लें 95% वो चावल के हमें डालते नहीं। देखिए सब चावल डाल दीजिए। तो दोस्त ये वीडियो के जरूर लाइक करब, सब्सक्राइब ना कर लो जरूर सब्सक्राइब करब, आ फेसबुक इंस्टाग्राम में जाके जरूर फॉलो करब। नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया बा, आ वीडियो को पूरा जरूर देखब, पूरा देखब तब तो पता चले कि रेसिपी कौन के बनल बा। आ कमेंट में जरूर बताएब कि रेसिपी और लोग कैसन लगा, घर में जरूर बनाएब और कमेंट में बताएब कि रेसिपी के स्वाद कैसन आता। देखिए मसाला डाल के डाल पहले से डाल रहा, और मैं चावल डलाइला, और उसके बाद से मिक्स कर लेला। मिक्स करके कई 5 मिनट तक एक लो आँच पर, एकदम बहुत कम आँच पर डाल के 5 मिनट छोड़ दिली। छोड़ला के बाद फिर मैं जो प्याज फ्राई कर लेनी है पहले के, वो प्याज के में डाल के मिक्स कर जाता है। देखिए मिक्स कर जाता है। अब ये जो है बात रेसिपी बात है, मसालेदार चावल ये तैयार हो गया खाए खातिर। आई चलिए जो मसालेदार चावल बन रहा है एक टेस्ट करके देखा था नहीं, देखा जाए कैसन बनल बा। लेकिन चावल ले बनी हम खाते नहीं। चावल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चावल बा। दोस्त अगर चैनल के सब्सक्राइब ना कर लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, फेसबुक इंस्टाग्राम में जरूर जाके फॉलो करो, वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखो, कमेंट में जरूर बताएं कि रेसिपी कैसा लगा, घर में भी जरूर ट्राई करो, और कमेंट बताएं कि स्वाद कैसा लगा था आज के रेसिपी के। आज के समाप्ति हो गई, ओके फिर मिलल अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।